पटना में गंगा नदी का वाटर लेवल कितना ज्यादा हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। अभी हम लोग हैं पटना के कृष्णा घाट पर। NIT घाट की ये बगल वाला घाट है और देख सकते हैं कि पटना में गंगा नदी का वाटर लेवल कितना ज़्यादा हो चुका है। अभी ये वाटर लेवल रेगुलर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बहुत जगहों पे बारिश हो रही है। गंडक का पानी भी पटना में आकर के मिल रहा है। जो बिहार के तराई क्षेत्र है वहाँ पे जो बारिश होती है उसका सीधा इफेक्ट गंगा नदी पे देखने को मिलता है। तो अभी देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात हैं और उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब तक पानी बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए था, लेकिन बिहार में बारिश कम हुई है जिस वजह से ये गंगा नदी का वाटर लेवल अभी कम है। लेकिन जो कृष्णा घाट है, कृष्णा घाट एक्चुअल में क्या है ना कि NIT के बाद वाला घाट है और ये थोड़ा सा नीचे पड़ता है, तो वहाँ पर पानी का लेवल इतना है। आप देख सकते हैं वहाँ पर भी बच्चे पानी में कूद के नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा ले रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं। ये वही जगह है जहाँ पर लोग शाम में बैठ करके इस जगह को इंजॉय करते हैं, फील करते हैं और यहाँ पर अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं। ये वही डोम शेप है ये जो बनाया गया है, ये पूरा का पूरा यहीं पर बैठ करके लोग मज़ा लेते हैं। और अभी मरीन ड्राइव का जो पिलर नंबर 51 है उसके पास वाला जो इलाका है वहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। अगर भाई को वीडियो में आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं और दिखाते हैं यहाँ के करीब के हालात क्या हैं। रेगुलर आते होंगे? हाँ भैया। तो कैसा, मतलब पानी कितना तेजी से बढ़ रहा है? पानी मतलब हर एक दो दिन में एक सीढ़ी बढ़ जाता है। हर एक दो दिन में एक सीढ़ी बढ़ जाता है? हाँ। मतलब अब लग रहा है कुछ दिन में ऊपर भी आ जाएगा? हाँ, 10 से 12 दिन के अंदर। 10 से 12 दिन के अंदर? हाँ। तो ये यहाँ के लोकल लोग हैं तो इन लोगों को ज्यादा पता है। हम लोग तो कभी कभी शूट करने के लिए आते हैं। जलकुंभी जब दिखने लगता है तो समझ लीजिए कि बाढ़ आ रहा है, मतलब है ना। मतलब ये वाला पूरा पिलर डूब जाएगा, वो वाला। हाँ। और वो वाला पहला लेयर जो है वहाँ तक। अच्छा अच्छा, तो समझ जाते हैं कि वो सीढ़ी है, वो मंदिर जाने वाला है, वो जाने वाला है। चलिए ठीक है, तो कहा जा सकता है कि पटना में पानी बढ़ रहा है? बिल्कुल, इस बार थोड़ा लेट से बढ़ा है लेकिन। हाँ, इस बार अभी बहुत लेट है, अभी तक सीढ़ी तक यहाँ तक आ जाता था। हाँ। पानी, इस बार बहुत लेट है। बहुत लेट है, चलिए ठीक है भैया, थैंक यू। तो यहाँ से अभी और आगे चलते हैं, आपको ये दिखा देते हैं। ये कृष्णा घाट है यहाँ का, लुक एट दिस। और कृष्णा घाट में आपको अभी ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं अगर पिछले साल का एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो यहाँ पे पानी था इतना इतना। हम लोग जब यहाँ से क्रॉस करते थे तो बहुत ही ज़्यादा पानी हुआ करता था, लेकिन इस बार जो पानी है वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। उन्होंने सोचा कि चलिए लेते हैं, एक बार घूमते हैं, जायज़ा लेते हैं कि आखिर क्या हालात है। तो यहाँ से अभी और आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं। वैसे ये अपना पटना का मरीन ड्राइव है जो कि 15 अगस्त से पहले पहले तक इसका उद्घाटन हो जाएगा। और यहाँ पर पिलर नंबर 51, 52 और 56 तक ये पिलर का जो एरिया है ना, यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है। आगे जाने के बाद NIT के पास एक मीटर भी लगाया गया है जिस मीटर से नापा जाता है कि पानी कितना बढ़ रहा है और आगे और कितना खतरे का अंदेशा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, ये जलकुंभी है, इसको बहुत लैंग्वेज में बहुत लोग बहुत तरह से बोलते होंगे लेकिन हम लोग इसको जलकुंभी ही बोलते हैं। जब ये दिखना शुरू हो जाता है पानी में, यानी कि गंगा नदी में, तो समझ जाइए कि बाढ़ आने वाली है और पानी बढ़ने वाला है। फिलहाल इस बार बाढ़ काफ़ी लेट है, फिर भी यहाँ पे पानी बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इकट्ठा भी होने जा रही हैं। तो यहाँ से अभी NIT की तरफ चलते हैं। तो गाइस, जब आप NIT आते हैं घूमने के लिए तो NIT आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। सबसे चीज़ आपको मिल जाती है अच्छी चीज़, ये वाली वॉल पेंटिंग जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वॉल पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई हुई है। उसके साथ ही साथ गंगा नदी का किनारा आपको दिखता है ये वाला, तो काफ़ी ज़बरदस्त वाली फीलिंग आती है। लोग यहाँ पर बेसिकली इसीलिए आते हैं ताकि इस मरीन ड्राइव को देख सकें और NIT को घूम सकें। तो काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे बदल जाती हैं, जैसे जैसे पानी बढ़ता है ना वैसे वैसे लोग यहाँ पर आना शुरू करते हैं ज़्यादा तौर पर। और यहाँ पर आगे गंगा आरती भी होती है NIT घाट पर, वहाँ पर भी आप आकर के सैटरडे और संडे को गंगा आरती देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग। तो आज जिस कैमरे का हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस ब्लॉग को शूट करने में, वो है अपना निकॉन का Z30। आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल सा कैमरा है। और इस कैमरे की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है ना, काफ़ी इजी टू यूज़ है और आपके हाथ जितना बड़ा है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है इस कैमरे में। काफ़ी अच्छा ऑटो फोकस देखने को मिलता है और वेरिएबल लेंस मिल जाता है, 16-50 इसका वेरिएबल लेंस है, तो इसलिए इसको यूज़ करने का मज़ा ही कुछ और ज़्यादा हो जाता है। और इसके साथ ही साथ अगर आपको ये टिल्टअप वाली स्क्रीन मिल जाए तो फिर क्या बात ही है यार। अपने आप को देखो ऐसे स्क्रीन टिल्ट करके,
और फिर इसको ऐसे देख करके आप आराम से व्लॉग अपना शूट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है इस निकॉन Z30 कैमरे में। काफ़ी अच्छा, कॉम्पैक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त, ईजी टू यूज़ व्लॉगिंग कैमरा है। फिलहाल हम लोग यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ से और भी आगे आ गए हैं, और आगे जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वैसे वैसे ये वॉल पेंटिंग तो सारी ख़त्म होती जाती है, लेकिन आपको NIT घाट और नज़दीक मिलता जाता है। थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, 500 मीटर का डिस्टेंस होगा कृष्णा घाट से NIT घाट तक। पानी इन सब पे भर जाता है जब पानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है तो, लेकिन अभी पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसा कि भाई बता रहा था कि हर एक से दो दिन पे एक स्टेप पानी ऊपर हो जाता है, तो देखते हैं कि कब तक पानी और ऊपर बढ़ता है। वैसे अगर पूरे बिहार की हम लोग बात कर ले तो बिहार में जो गंडक का इलाका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ का खतरा होता है, लेकिन पटना में पानी उतना खतरनाक नहीं होता है कि अंदर तक घुस जाए। मिल रहा है जी। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं NIT घाट पे, और यही वो खतरे का निशान वाला मीटर है जिसे ये मेज़र किया था कि पानी कितना बढ़ रहा है। तो नीचे वाले पे तो आप देख सकते हैं वहाँ पे पानी शो कर रहा है, लेकिन इस वाले पे अभी पानी नहीं पहुँचा हुआ है। तो जब यहाँ आ जाएगा इस लेवल तक तो समझ जाओ कि अब पानी बहुत ही ज़्यादा हो गया। ये भी डूब जाता है और इसके ऊपर तक पानी चला जाता है। तो ये मीटर अभी यहाँ पर फिलहाल यही दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। पानी बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको अगर इस वीडियो को अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।